बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कांकेर से, जहां नक्सलियों ने युवक की हत्या कर दी है। नक्सलियों ने युवक की बाइक में आगजनी की घटना को अंजाम दिया। सड़क निर्माण कार्य में मुनीम का काम करता था युवक, और इसने परतापुर थाना क्षेत्र के कटगांव की पूरी वारदात बताई जा रही है। तो बड़ी खबर कांकेर से, जहां नक्सलियों ने युवक की बाइक में भी आगजनी की घटना को अंजाम दिया। सड़क निर्माण कार्य में मुनीम का काम करता था युवक, तो नक्सलियों द्वारा एक और घटना को अंजाम दिया गया है। एक युवक को मौत के घाट उतार दिया नक्सलियों ने। दरअसल नक्सलियों ने युवक की बाइक में भी आगजनी की घटना को अंजाम दिया, और सड़क निर्माण कार्य में मुनीम का काम करता था युवक, जिसे नक्सलियों ने अपना निशाना बनाया। तो बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां नक्सलियों द्वारा एक और हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। दरअसल एक सड़क निर्माण का काम चल रहा था, जिसमें मुनीम का काम करने वाला एक युवक, जिसे नक्सलियों द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया। तो दहशत फैलाने के मकसद से इन नक्सलियों ने इस हरकत को अंजाम दिया है। एक युवक की जान ले ली, एक युवक को मौत के घाट उतार दिया, और साथ ही मन इससे भी नहीं भरा कि युवक की बाइक वहां पर खड़ी हुई थी, उसमें भी आगजनी की घटना को अंजाम दिया। और ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज संवाददाता सुशील सलाम फोन लाइन पर जुड़ गए। सुशील, इस वक्त मौके पर क्या स्थिति है कि जवान मौके पर पहुंचे, पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ परतापुर थाना क्षेत्र के कटगांव का मामला है, जहां बीती रात नक्सलियों के द्वारा सड़क निर्माण कार्य में लगे मुंशी की हत्या कर दी गई है। साथ ही मुंशी की हत्या करने के बाद उसकी बाइक में भी आगजनी की है। वही मौके पर अभी जिला पुलिस बल व बीएसएफ की टीम पहुंची हुई है, और वहां पर सघन जांच की जा रही है। साथ ही इस तरह की घटना होने के बाद से इस इलाके में काफी दहशत का माहौल भी बना हुआ है। और आसपास क्या नक्सलियों द्वारा कोई पर्चा भी फेंका गया है? क्योंकि जाहिर है नक्सलियों द्वारा इस तरीके के कृत्य एक ही मंशा से किए जाते हैं, ताकि इलाके में दहशत फैल सके। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे जैसे फोर्स के दबाव अंदरूनी इलाके में बनते जा रही है, खासकर जिला पुलिस बल और बीएसएफ के संयुक्त टीम के द्वारा इन जिले के अंदरूनी इलाकों में लगातार सर्चिंग अभियान चलाई जा रही है, जिससे इन नक्सलियों में कहीं ना कहीं बकलाहट देखी जा रही है। इसी तरह से इसी इलाके में कुछ दिन पूर्व एक ग्रामीण की भी नक्सलियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से लगभग एक माह बाद आज फिर सड़क निर्माण कार्य में लगे ठेकेदार की मुंशी की एकदम हत्या कर दी गई है। सुशील, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। एक और बड़ी खबर मिल रही है।